खबर भितर जिबा फाइनल पूर्वर सेमिफाइनाल बाजिला पांच राज्य विधानसभा निर्वाचन बिगुल मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान मिजोराम एवं तेलंगाना विधानसभा पाई निर्वाचन तारीख घोषणा कले मुख्य निर्वाचन कमिशन डिसेंबर 11 तारीख रे हेबो वोट गणती। बाजिला राज्य पाई युद्धर बिगुल पांचटी राज्यर विधानसभा निर्वाचन पाई तारीख घोषणा कले मुख्य निर्वाचन कमिशन मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान मिजोराम एवं तेलंगाना विधानसभा पाई निर्वाचनी तारीख घोषणा हेला। छत्तीसगढ़ रे दुईटी पर्याय रे एवं अन्य चार राज्य रे गोटे लेखाई पर्याय रे हेबो वोटिंग। फॉर ऑल पोल गोइंग स्टेट्स छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान एंड मिजोरम द पब्लिकेशन फाइनली took place for three states on 27 September and Rajasthan needed one day extension so it happened on 28th of September. December 7th तारीख रे तेलंगाना और राजस्थान November 28th तारीख रे मध्य प्रदेश एवं मिजोरम पई वोटिंग हेबो। November 12 ओ 20 एमिति दुईटी पर्याय रे छत्तीसगढ़ रे हेबो वोटिंग आउ डिसेंबर 11 तारीख रे हेबो काउंटिंग। एथिसहित कर्णाटकर शिमोगा बेलारी एवं मांड्यारे नवंबर 3 तारीख रे हेबो उपनिर्वाचन। मे बी अवेयर दैट कमिशन डिस्ट्रीब्यूट्स फोटो वोटर स्लिप्स एज ए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिस विल बी डन एज पर आवर कन्वेंशन बट इन एडिशन टू दैट ब्रेल फोटो वोटर स्लिप विल आल्सो बी गिवन बिकॉज दिस ईयर कमिशन थीम इज एक्सेसिबल इलेक्शंस। मुख्य निर्वाचन कमिशन तारीख घोषणा परे परे पांच राज्य में लागू हेला निर्वाचन आचरण विधि। तेबे कमिशन को घोषणार टाइमिंग को नहीं आपत्ति उठाई कांग्रेस। दिन 12:30 निर्वाचन तारीख घोषणा होबार थिला किंतु शेष मुहूर्त में कमिशन ताहा अपराह्न 3टा को घुंचाई देथिले। राजस्थान अजमेर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राली पई निर्वाचन कमिशन घोषणार समय घुंचाइले बोली कांग्रेस अभियोग करिछि। तेबे विलंब पई निर्वाचन कमिशन दुख प्रकाश करिबा सह गणमाध्यमर सुविधा पई समय घुंचाइले बोली कहिछंती। ऑन बिहाफ ऑफ द कमिशन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया फॉर इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइमिंग फ्रॉम 12:30 टू 3 o'clock। दिस वाज नेसेसिटेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन कंपल्शंस। डिसेंबर 15 मिजोराम जनवरी 5 छत्तीसगढ़ जनवरी 7 मध्यप्रदेश जनवरी 20 राजस्थान विधानसभा कार्यकाल सरुवा बेले निकट में सरकार भांगी तेलंगाना केसीआर सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7।